हर इंसान अपने जीवन में बहुत सी गलतियां करता है और असफल होता है। अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए असफल होना बुरी बात नहीं बल्कि अच्छी बात है, क्योंकि हर सफल व्यक्ति ने यह माना है कि असफलता सफलता तक पहुंचने का पहला कदम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन गलतियों से सबक लें। प्रत्येक दिन आपके साथ जुड़ा प्रत्येक इंसान, आपसे मिलने वाला हर नया इंसान, हर परिस्थिति आपको कुछ न कुछ नया सबक सिखाती है। बस जरूरत है उनको समझने की। आज हम आपको ऐसे ही कुछ बातें बता रहे हैं जिसे इंसान अपनी असफलताओं से सीख सकता है। असफल होने के बाद सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता, असफलता जीवन का हिस्सा है। अगर आप असफल हो जाते हैं तो यह न सोचे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, बल्कि इस दौरान की गई गलतियों से सीख ले। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कि बिना किसी कठिनाइयों और असफलताओं के सफल हुआ हो। आप असफलता की सीढ़ी पर पांव रखकर ही सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। हालांकि आपको असफलता से बहुत तकलीफ हो सकती है, लेकिन असफलता के बाद सबसे बेहतरीन विकल्प आपके पास यही है कि आप असफलता को सकारात्मक रूप में स्वीकार करके गलतियों से सबक लें। भूतकाल में की गई गलतियों से सबक लेकर आप भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। अपनी नाकामयाबी को स्वीकार करें। जो बीत गया वो आपका अतीत था, उससे सीखो और उससे आगे बढ़ो। आपने अपने अतीत में जो गलतियां की हो उसे पकड़कर रोते न रहें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप आज कुछ नहीं कर पाएंगे और आपका कल भी बिगड़ जाएगा। जो हो गया उस पर अब आपका कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए उसे लेकर परेशान क्यों होना। बेहतर है कि इस नाकामयाबी को स्वीकार करें और इससे सीख लेते हुए आगे बढ़ें। आपको अपने अंदर बदलाव की जरूरत है, न कि संसार को बदलने की। जब भी हमारे साथ कुछ भी गलत होता है या हम असफल होते हैं तो हम में से ज़्यादातर लोग परिस्थितियां या दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हमारी गलतियां और असफलताओं के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। असफलताओं के बाद हमें अपनी शक्तियों और कमियों का पता चलता है, ताकि हम अपनी कमियों को शक्तियों में बदल सकें। असफलता के बाद अधिक साहसी बने। ज़्यादातर लोग असफलता से डरते हैं, लेकिन एक बार जब इंसान असफल हो जाता है तो असफलता का डर समाप्त हो जाता है और इंसान अधिक साहसी बनता है। असफलता का अनुभव ले और अपनी असफलताओं की मदद से डर को मिटा दे। अपने सपनों का पीछा करे। असफलता के कारण हार मानना इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। असफलता यह दर्शाती है कि इंसान सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है, इसलिए असफलता से सीख ले। कोई भी आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से न हार जाओ। असफलताओं से हारने के बजाय स्वयं को चुनौती दें और अपनी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। कोई भी इंसान पूर्णतया कुशल नहीं होता। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूर्णतया कुशल है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं। हर इंसान में कुछ कुछ कमियां होती हैं और यदि आप इन बातों को लेकर परेशान रहते हैं कि मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता तो आप व्यर्थ में परेशान हैं। अगर आपको खुश रहना है तो अपनी कमियों को स्वीकार करें और उनको सुधारने की कोशिश करें। समय सबसे मूल्यवान है। असफलताएं बताती है कि हमने समय का सही उपयोग नहीं किया है। अगर हमें अपने जीवन में कुछ बेहतर करना है तो हमको सबसे ज़्यादा अपने कीमती समय पर ध्यान देना होगा। आज दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अगर आप इनके साथ नहीं चलेंगे तो निश्चित ही पीछे हो जाएंगे। सही समय पर सही काम करने से ही सफलता मिलती है। अपना दायरा बढ़ाएं। असफलताएं यह इशारा करती है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हम सभी कुछ भी नया करने से डरते हैं, लेकिन हमें यह भी ध्यान देना चाहिए, जब तक हम कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और बिना डरे प्रयास करें। अपनी तुलना किसी से न करें। हर इंसान अपने आप में अलग है। जो गुण आपके अंदर है जरूरी नहीं कि वह दूसरों में भी हो। हर इंसान में कुछ न कुछ दूसरों से बेहतर होता है, इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करना व्यर्थहीन है। ऐसा करके आप पूरी तरह से समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी करते हैं। जीवन की यात्रा का आनंद लीजिए,
यदि हर इंसान अपने अंदर अच्छा बदलाव करता है तो यह संसार अपने आप ही बदल जाएगा। यह जीवन एक सफर की तरह है, इसलिए बिना किसी परवाह के इसका आनंद उठाते हुए और अपनी गलतियों से सीख लेते हुए आगे बढ़ें। कठिनाइयाँ, समस्याएं और असफलताएं जीवन की यात्रा का हिस्सा है, जिसके बिना जीवन अधूरा है।